नंबर एक पर आ चुकी है धमाकेदार मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है नाइफ्स आउट। मूवी आई थी साल 2019 में और मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली है 7.9 की। मूवी की शुरुआत होती है हैप्पी बर्थडे के साथ और अगली रात ही थ्रोम्बे फैमिली के एक अंकल को कोई हलाल कर जाता है, मेरा मतलब इनका मर्डर हो जाता है। तो एंट्री होती है अपने बॉन्ड जेम्स बॉन्ड की यानी डेनियल क्रेग। मूवी के अंदर डेनियल बने हैं एक डिटेक्टिव और इस केस की स्टडी करते हैं। मूवी में सस्पेंस काफी ज्यादा होता है और एक टाइम तो ऐसा होता है जैसे मूवी का प्लॉट ही बदल गया है। मूवी के अंदर कई फेमस सितारे चमकते हैं जिनमें हमारे कैप्टन अमेरिका भी शामिल है, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कैप्टन से मुझे। तो बात करते हैं मूवी से जुड़े फैक्ट के बारे में। तो मूवी के अंदर ये नानी माँ जिन्होंने मरे हुए अंकल हार्लन थ्रोम्बे की मम्मी का किरदार प्ले किया था, तो ये मम्मी 6 साल छोटी है अपने बच्चे से। मेरे कहने का मतलब है माँ का किरदार निभाने वाली के कैलन की रियल एज है 84 साल की और हार्लन का किरदार निभाने वाले क्रिस्टोफर पाल्मर की एज है 90 साल की। वाओ यार। तो मूवी के इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू लेने वाले बंदे ने एक अलग सा सवाल पूछा क्रिस एवंस और एना डे आर्मस से कि आप दोनों का नाइफ्स आउट मूवी के अलावा का एक्सपीरियंस क्या रहा, मतलब किस तरह की मूवीज को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बैठकर देखना पसंद करेंगे। तो भैया अपने कप्तान साहब ने तो जवाब दे दिया कि हमें तो हॉरर मूवीज पसंद है जो आपकी आंखों को टीवी स्क्रीन से चिपका के रखती है। वहीं एना डे आर्मस ने बताया अपनी पसंद के बारे में कि उन्हें एनिमेटेड मूवीज पसंद है जिन्हें वे अपनी फैमिली के साथ देखना पसंद करेंगी। खैर क्रिस एवंस कैप्टन अमेरिका बन के ही सीरियस बने रह सकते हैं, वरना पूरे इंटरव्यू के दौरान क्रिस के अंदर का बच्चा भी बार बार बाहर आने को तैयार था क्योंकि पूरे इंटरव्यू के दौरान क्रिस ने काफी मस्ती करी थी एना डे आर्मस के साथ। That's not his butt. That's something else. Muito gato. Muito gato. Give it to you.